नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के किचन टिप्स के साथ मैं हूं आयशा अहमद। आज हम आपको सिखाएंगे कि अपने घर में दालों को देर तक किस तरह से महफूज रखा जा सकता है। दालों को देर तक महफूज रखने के लिए हम सबसे पहले लो हाई हीट पर फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके बाद इसमें मूंग की दाल डाल देंगे। वुडन स्पून से आप इसको हल्का हल्का सा फ्राई पैन में घुमाते रहें। याद रहे फ्राई पैन बिल्कुल खुश्क होना चाहिए जब आप इसमें दाल डालें। अब इस दाल को हल्की आंच पर अच्छी तरह से भूनें। 5 से 6 मिनट भूनने के बाद इस दाल को किसी भी बर्तन में निकाल लीजिए और ठंडा होने पर एयर टाइट जार में पैक करके 6 महीने तक रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। घरों में मुख्तलिफ दाल जैसे के मूंग की दाल, मसूर की दाल और चने की दाल को आप इसी तरीके से भूनकर ज्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी सबसे ज्यादा जल्दी खराब हो जाती है। जब आप अपने घर सूजी लेकर आए तो इसको भी इसी तरह से फ्राई पैन में डालकर अच्छी तरह से लो हाई हीट पर भून लें। भूनने के बाद इसको भी किसी बर्तन में निकालकर ठंडा होने के बाद इसको एयर टाइट बॉक्स में पैक करके इस्तेमाल करें। भुनी हुई दाल और सूजी बहुत ही ज्यादा जायकेदार तैयार होती है। आप इस टिप को इस्तेमाल करें और इसके बाद अपनी बनाई हुई डिशेस को एंजॉय करें। इसके साथ ही हमारी आज की टिप अपने इख्तिताम को पहुंची। अगली टिप के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।